अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बड़ी खैरियत से होंगे। ठीक ठाक भाइयों ने कमेंट किए थे कि एहसान भाई जो मुर्गे होते हैं वो कील क्यों नहीं मारते? मुर्गियों की ट्रेनिंग बड़े अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, खुराक वगैरह भी उनको पूरी मतवातर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन मुर्गे फिर भी कील नहीं मारते। तो क्या ये कोई कुदरती होता है कि अंदर के कुछ मुर्गे कील मारते हैं, कुछ मुर्गे कील नहीं मारते? या मुर्गों को क्या ट्रिक्स ऐसी हों कि कील पे अमल किया जाए और मुर्गे जो है वो कील मारने शुरू कर दें? भाई के तो इसके ऊपर एक ना प्यारी सी वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो नए आने वाले भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ेदार वीडियो के साथ में शेयर करता रहूँ। असल में बात ये होती है कि मुर्गे जितने भी हैं ना सभी कील मारते हैं। ठीक है, देखिए ये एक नेचरली चीज़ है, अल्लाह ताला ने इनको कांटे दिए हुए हैं। ठीक है, कांटे जब उनके होते हैं, जब वो लड़ाई करते हैं तो अपना हथियार वो यूज़ करते हैं, कील मारते हैं, सारे मुर्गे ही कील मारते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ये कील मारने वाला नहीं है, ये कील वाला, मुर्गे सारे ही कील मारते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी वजह होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से मुर्गे फाइट के दौरान कील मारना छोड़ देते हैं, कुछ वजह ही होती हैं। मैं आपके साथ वो वजह शेयर करूँगा, अगर आप वो वजह को दूर कर दें, वो आप जो प्रॉब्लम मुर्गों के अंदर आई हुई हैं उनको आप वो सॉल्व कर दें तो 100% आपके मुर्गे लड़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह जो है मुर्गा कील नहीं मारता लड़ाई में, सबसे पहली वजह ये है कि जो मुर्गे का वेट है ना वो जब ज़्यादा हो जाता ना, मुर्गे का वेट बढ़ जाता है जब, तो वो कील नहीं मारता। 2700 ग्राम 2800 ग्राम तक का वेट बड़ा ही परफेक्ट वेट होता है जो खुले के मुर्गे होते हैं उनके लिए। 2700 ग्राम 2800 ग्राम ये बेहतरीन वजन है। ठीक है, ज़बरदस्त है। अगर आप अपने मुर्गे को खिला खिला के 3.5 किलो तक का कर देंगे या 3 किलो से ऊपर हो गया उसका वेट, 3000 ग्राम या इससे अप 2500 ग्राम 3200 ज़्यादा वजन करेंगे तो वो मुर्गा फिर कील मारने भूल जाएगा, उससे टूटा ही नहीं जाएगा, वो कील नहीं मारेगा, वो ठुड्डे मुक्के बस मार के अपना काम चलाएगा। ठीक है, कील नहीं कभी मारेगा। पहली बात याद रखना, मुर्गे का जो वेट है ना उसके वो कद के हिसाब से मुर्गा अपना वेट खुद एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर आप उसको आटे की गोलियाँ बना बना के डालें, उसको पानी में भिगो के कनक उसको डालें, आप रोटी भिगो के उसको डालें, मुर्गे का वेट गेन हो जाएगा, वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप मुर्गे को बाजरे के ऊपर लगाते हैं, सिर्फ बाजरा डालते हैं खाली, उसका वेट उतना ही रहेगा जितना मुर्गा चाहेगा, उसने उतना ही खाना जितना उसने को जिसम को चाहिए, ज़्यादा नहीं खाता। अगर आप जानबूझ के कहते हैं नहीं मेरा मुर्गा बहुत भारा हो जाए, भारी भरकम हो जाए, सप्लाई में सुर्गा नहीं जाएगा, उसने चीज मारना ही नहीं है, बस उसकी मैंने बात की ना, बस वो पंजे पुंजे मार के अपना टाइम पूरा करेगा। एक तो बात ये होगी वेट की, वेट मुर्गे का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2700-2800 ग्राम वेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगली बात कि मुर्गे कील नहीं मारते, दूसरी वजह क्या? दूसरी वजह बड़ी अहम है, मुर्गों का स्टेमिना नहीं होता, मुर्गों का सांस पक्का नहीं होता। अगर मुर्गे का वज़न 2700-2800 ग्राम ही है, ठीक है, लेकिन उसका सांस पक्का नहीं है, वो खुदे का फील है, हर खुदे में वो कोई चील छील नहीं मारेगा। ठीक है, वो भी बस अपने पैर चलाएगा, बेतुकी टांगे मारेगा, बस कील नहीं मारेगा मुर्गा। ठीक है, अगर उसका वजन चाहे 2700-2800 ग्राम है, उसका सांस ही पक्का नहीं है, उसका स्टेमिना ही नहीं है। दो बातें हो गई, पहली बातें वेट ज़्यादा हो जाना मुर्गे का, दूसरी बातें मुर्गे का स्टेमिना होनी, कोई उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, कोई उसकी प्रैक्टिस नहीं होती मुर्गे की, कोई चक्कर नहीं होता, हम कहते हैं बस भी छोड़ दो, वो सीधी सीधी जब हवाई फटके लगती हैं ना, कोई 5-7 या 10 फटके या मुर्गे टकराते हैं बीच आ, बस वो मुर्गा उड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद वो थक जाएगा, उसे अपनी जान बचाने मुश्किल हो जाती है दूसरे मुर्गे से, तो कील उसने क्या मारना है? कील ताकत के साथ हवा में उड़ के मारा जाता है, चाहे हवाई कील हो, चाहे गला पकड़ के गला मुर्गा खेलता हो, वो वाला कील हो, कील ताकत के साथ मारा जाता है, उसका स्टेमिना ही नहीं है, उसने कील नहीं मारा। ठीक हो गया, वो बात तीसरी बात बताना हूँ आपको, कुछ मुर्गे होते हैं, ये नेचरली बात है, कुदरती अमल है, कुछ मुर्गे होते हैं उनके कील बिल्कुल ना इस तरह नीचे को होते हैं, थोड़े से बिल्कुल ऊपर को नहीं, थोड़े से नीचे कील होते हैं, थोड़े से बस ऐसे होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई ऐसे ढींगा नहीं होता, ऊपर को नहीं होते, ऐसे को नहीं होते, सीधे, वो अच्छे सील समझे जाते हैं कि ये मुर्गा कील मारेगा, क्योंकि उसके कील सीधे हैं, थोड़े से नीचे को और सीधे कील लगे, वो मुर्गा कील मारेगा। और कुछ मुर्गे मैं भी ये
तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है इधर। ये देखें अब कील इसके डिंगे हैं थोड़े से ऐसे, ऊपर को हैं या नीचे को हैं, ऐसे अजीब से। ये कुदरती अलग तरफ से होते हैं, कांटे किसी के कैसे हैं किसी के कैसे हैं, ये कुदरती अमल है, ठीक है। तो जिसके कांटे ऐसे कोई ख़राब से होंगे ना, डिंगे चिपी होंगे, वो मुर्गा भी कील थोड़े मारेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मिसाल आपको मैं देता हूँ कि कुछ इंसान नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, ठीक होते हैं, कुछ अब नॉर्मल होते हैं, सही नहीं होते, उनको कोई ना मसले होते हैं उनके अंदर। उनके मुर्गे भी ऐसे होते हैं, कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं नेचर के तौर पे, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं वो। अल्लाह की मर्जी है कि उनके कील ऐसे ऐसे जैसे भी होते हैं, कुदरती चीज़ है ना। तो वो फिर मुर्गा कील कम मारेगा, जिसके कील बिल्कुल सीधे हैं थोड़े से नीचे को हैं, वो कील ज़्यादा मारेगा। तीसरी वजह ये होगी। चौथी वजह, मुर्गे कील नहीं मारते, मुर्गों की टांगों में ताकत ही नहीं होती, स्टैमिना भी पक्का होगा, उसका वेट भी पूरा होगा, कील भी सीधे हैं, लेकिन उसकी टांगों में ताकत नहीं है। अब आपने कहा है कि सान भाई टांगों में ताकत नहीं है, तो ताकत हम कैसे पैदा करें? मैं पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, दो वीडियो छोड़ के इससे पीछे, पहले सांस पक्का करें, उस वीडियो के ऊपर ये थंबनेल लगा हुआ, पहले सांस पक्का करें, उसमें मैंने बताया टांगों की एक्सरसाइज कैसे करवानी है। मुर्गे को आपने पकड़ना है दोनों टांगें हाथ में, मैंने पूरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पहले सांस पक्का करें, ये वीडियो के ऊपर ना लिखा हुआ है थंबनेल है वीडियो का, आप वीडियो देख सकते हैं। मुर्गे की टांगें पकड़ के आपने पीछे खींच के उसका सीना नीचे रख देना जमीन के ऊपर, आप इसको छोड़ देना है, मुर्गा खुद ही खड़ा हो जाएगा। फिर टांगें खींच के सीना जमीन पर रख के टांगें पीछे छोड़ देनी है मुर्गा खुद ही, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं। जो पहलवान होते हैं ना, कभी आप देखिएगा जो पहलवान होते हैं वो बड़े शौक से उठक बैठक करते हैं टांगें मजबूत करने के लिए, ठीक है। टांगें मजबूत होंगी तो बंदा वजन भी उठा लेगा, भाग भी लेगा, जो मर्जी कर लेगा। टांगें कमज़ोर होगी चाहे ऊपर से बंदा जितना मर्जी हो, टांगें उसकी श्रिंक है तो वो कुछ नहीं होता है। मुर्गे की टांगों में जान होगी तो मुर्गा जब हवाई फड़के मारेगा ना, पीछे से आगे भाग के नीचे गिरेगा। जब मुर्गा फड़क मारता है ना, जो मारता है वो भी नीचे गिरता है, जिसको पड़ती है वो भी नीचे गिरता है, दोनों ही नीचे ऐसे गिरते हैं आपके, मारने वाला भी वो खाने वाला। और जिस मुर्गे की टांगों में जान होगी ना, ताकत होगी, वो मुर्गा फौरन फिर उठ जाएगा। जिसको ये प्रैक्टिस होगी ना उठक बैठे की, उसकी टांगें दर्द नहीं होंगी, टांगें फूलेंगी नहीं उसकी, वो जैसे ही फड़क मार के गिरेगा फिर उठ जाएगा, साथ एक और पेड़ मार देगा पकड़ के, हो सके तो फील भी मार देगा। ये चीज़ होती है भाई जान। चौथे नंबर पर आपने मुर्गे की टांगों की एक्सरसाइज, ठीक है। पहले मैंने बात बताई मुर्गे का, आपने पेतुका वजन ज़्यादा नहीं कर लेना, उसे खिला के आपने उसको बहुत गोश्त वाला गोश्तखोर नहीं बना लेना, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, उसका आपने स्टेमिना पक्का करना है, उसका सांस पक्का करना है, उसके पीछे भागे उसे मशीन में डाल के घुमाएं जैसे मर्जी, दो बातें। तीसरी बात मैंने बताई, ये कुदरती अमल होता है, कुछ के कील ऐसे मुड़े होते हैं, टेढ़े हुए होते हैं, ऐसे अलग तरह से होता है, वो मुर्गे भी कम कील मारते हैं। चौथी बात मैंने बताई, आपने मुर्गे की टांगों की एक्सरसाइज करवानी है, टांगें पीछे खींच के छोड़नी है, मुर्गा फिर खुद खड़ा हो जाएगा, टांगें खींच के छोड़नी है, मुर्गा फिर खड़ा हो जाएगा। चार बातें मैंने आपको बताई हैं, इसी बिना पर मुर्गे कील नहीं मारते, बस ये चारों बातें होती हैं, चारों बातें हैं। बाकी जो असील मुर्गे होते हैं या देसी मुर्गे होते हैं या मिस्री मुर्गे होते हैं या जो भी हैं, वो कील सारे ही मारते हैं, ठीक है। जिसके डिंगे हैं वो भी, उसने चलाना है टुड्डा मुक्का टांग उसने मारनी मारनी है, अल्लाह ताला ने उन्हें दिए हुए कांटे के लड़ाई में इस्तेमाल करने हैं, उन्होंने अपना दफा करना है ना, तो उन्होंने मारने हैं सब ने, फिर क्यों नहीं मारते? थक जाते हैं, सांस चढ़ जाता है, वजन ज़्यादा है, ताकत नहीं है टांगों में, वो नहीं मारते। हम कहते हैं यार ये नस्ल नहीं सही, अब ये मुर्गा है ये भी कील मारता है, वो सफ़ेद है वो भी कील मारता है, वो पीछे मियाँ वाली बोल तो है ही कीलों वाले, ये तीनों कील मारते हैं। इन्होंने क्या कि एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, हम इनकी जैसे एक्सरसाइज करवाते हैं, इनको तैयार करते हैं, इनको तैयारी पे लगाते हैं कि ये मुर्गे कील खेलें। ऐसा नहीं होता कि मुर्गे में फंक्शन नहीं है, फंक्शन सब मुर्गों में होता है, लेकिन हमने जानबूझ के उसे हिडन किया होता है, जिसे हिडन किया होता है कि बस वो इसे कहते हैं ना खुडे का सील बना दिया मुर्गे को, क्योंकि इसके अंडे खुडे में रहना है, उसको बीच ही दाना दूना डालना है, जब कभी लेके जाना है वाइल्ड फाइट के लिए खुडे से निकालते हैं, हम ये कहते हैं हमारा मुर्गा सबसे आगे हो लड़ाई में, और सारा दिन वो खुडे में, ऐसे मुर्गे कामयाब नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और घंटी के बेल आइकन दबा, ताकि सील मुर्गों के मतलब इनकी बीमारियों के मतलब प्यारी प्यारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।